मिशन T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए चीजें ऑफ ट्रैक होती जा रही हैं। अभी एशिया कप के बुरे सपने से भारतीय फैंस उभरे ही थे कि एक और गहरा जख्म ऑस्ट्रेलिया ने यहां भारत आकर दे दिया है। 3 मैच के T20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में मेहमानों ने भारत के खिलाफ एक रिकॉर्ड रन चेस को बखूबी अंजाम देकर टीम इंडिया को करारी हार का स्वाद चखा दिया है। फिंच एंड कंपनी ने रोहित ब्रिगेड को 209 के चेस में 4 विकेट से मात देकर सीरीज में जबरदस्त शुरुआत कर दी है और अब यहां से टीम इंडिया के लिए फिसलने की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि सीरीज में बने रहने के लिए अब टीम इंडिया को अपना अगला मुकाबला जीतना बेहद जरूरी बन गया है। ऐसे में एक खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को कई बड़े और बोल्ड फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो आखिर एक शर्मनाक हार के बाद क्या कुछ बदलाव टीम इंडिया में होते हुए नजर आ रहे हैं या होने चाहिए थे, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया काफी उम्मीदों के साथ मोहाली के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच खेलने उतरी। अपने घरेलू परिस्थिति में भारतीय टीम को इस मुकाबले से पहले फेवरेट करार किया जा रहा था। टीम इंडिया ने टॉस हारने के बावजूद पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 208 रनों का पहाड़ जैसा टोटल भी खड़ा कर दिया था। अमूमन T20 मैच में 209 रनों का लक्ष्य कभी कभार ही दूसरी टीम हासिल करने में सफल रहती है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने साबित कर दिया कि क्यों इस समय पर T20 की डिफेंडिंग चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच ने जिस तरीके से आते ही पहली गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजकर शुरुआत की थी, उसी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेंटेलिटी दर्शा दी थी। बेखौफ अंदाज से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी चली। डेब्यूटेंट ग्रीन ने अपने पहले T20 मैच में ही अर्धशतक ठोककर लोगों को अपनी काबिलियत के दर्शन करा दिए। फिर अंत में मैथ्यू वेड ने एक बार फिर से अपनी फिनिशिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया और 209 के लक्ष्य को भी कंगारू ने बौना साबित करते हुए इसे केवल 19.2 ओवर में ही हासिल कर मेजबान इंडिया को रियलिटी चेक हाथ में थमा दिया है और ये बता दिया है कि इस भारतीय टीम की गेंदबाजी में वो धार मौजूद नहीं है जो इस फॉर्मेट में सफल होने के लिए जरूरत होती है। और खुद भारतीय कप्तान ने भी इस बात को मान लिया है कि इस गेंदबाजी यूनिट में कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर हैं, जिसे अगले मुकाबले में टीम मैनेजमेंट एड्रेस जरूर करेगी। ऐसे में एक बात तो तय है, दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम में कई तरह के बदलाव होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर गेंदबाजी यूनिट में कई तरह की तब्दीलियां नजर आती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 सितंबर को नागपुर में दूसरा T20 मुकाबला खेलना है और वहां भारत की प्लेइंग 11 में कई बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर बदलाव गेंदबाजी में ही किए जाएंगे। दूसरी तरफ शायद ही बल्लेबाजी यूनिट में किसी भी तरह का कोई चेंज नजर आए। तो नागपुर में होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल वही रहेगी जिसने पहले मुकाबले में हिस्सा लिया था, यानी केएल राहुल के साथ कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। फिर अंत में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के ऊपर फिनिशिंग की जिम्मेदारी होगी, जबकि पिछले मुकाबले में भारत के इकलौते स्टैंड आउट बॉलर अक्षर पटेल एक बार फिर प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर दोनों तेज गेंदबाजों का प्लेइंग 11 में खेलना तय लग रहा है। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार मैच दर मैच फेल होते जा रहे हैं, यहां से उन्हें और मौके दिए जाएंगे उसकी संभावना अब ना के बराबर ही दिखाई पड़ती है। वहीं पर उमेश यादव की जगह पर बुमराह की वापसी भी अब होनी तय मानी जा रही है। वैसे भी उमेश टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है, ऐसे में जरूरी यही होगा कि टीम मैनेजमेंट उन्हीं खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दे जिनके साथ अगले महीने T20 वर्ल्ड कप में भारत को उतरना है। लेकिन अगर स्क्वाड में इंजरी की समस्या चल रही है, जिसका जिक्र खुद कप्तान ने मैच से पहले किया था, ऐसे में मोहम्मद शमी को कोविड होने के बाद भारतीय टीम को फ्यूचर पर इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए था और यहाँ पर युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को टीम से जोड़ना एक अच्छा और ब्रेव कॉल हो सकता था। लेकिन भारतीय टीम की डिफेंसिव माइंडसेट ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बहरहाल, उधर युजवेंद्र चहल को शायद अभी टीम में बरकरार रखा जाएगा और उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हुए रोहित शर्मा उन्हें अभी और बैक करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम अगले मुकाबले में 2 बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला कर सकती है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया इतनी बड़ी हार के बाद यहां से वापसी करने में कामयाब हो पाती है या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले ही मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर जाती है। आपको क्या लगता है,
रोहित ब्रिगेड यहां से सीरीज में वापसी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल।